भारत और चीन के बीच तनाव हर दिन बढ़ता जा रहा है। इसी बीच एलएसी पर फायरिंग को लेकर नया खुलासा हुआ है। दरअसल अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे के नज़दीक दोनों सेनाओं में गोलीबारी हुई थी। ये गोलीबारी मॉस्को में 10 सितंबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात से पहले हुई थी। एक अफसर के मुताबिक जिस जगह फिंगर 3 और फिंगर 4 मिलती हैं वहां दोनों पक्षों में 100 से 200 राउंड फायरिंग की गई। फायरिंग की घटना उस दौरान हुई जब दोनों देशों की सेनाएं फिंगर इलाके में पकड़ मजबूत करने के लिए गश्त कर रही थीं। हालांकि अब तक इस घटना के बारे में ना तो चीन और ना ही भारत की तरफ से कोई आधिकारिक बयान दिया गया है। इससे पहले चुसुल सेक्टर में हुई फायरिंग की घटना पर दोनों देशों में तनातनी हुई थी, लेकिन अधिकारी का कहना है कि ताज़ा फायरिंग चुसुल में हुई फायरिंग से भी ज़्यादा भीषण थी। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक भारत और चीनी सेना के बीच एलएसी पर एक महीने में 3 बार फायरिंग की घटना हो चुकी है। अब तक सिर्फ चुसुल सेक्टर में हुई फायरिंग को लेकर ही दोनों देशों की ओर से आधिकारिक बयान दिए गए हैं। दरअसल सितंबर की शुरुआत में भारतीय सेना पेंगोंग त्सो के उत्तरी किनारे पर अपनी पोजीशन बदल रही थी। चीनी सेना इसी जगह पर महज 500 मीटर की दूरी पर है। इसी दौरान दोनों के बीच फायरिंग हुई। इसी के चलते अधिकारी ने कहा कि तनाव अभी भी जमीन पर बना हुआ है और दोनों पक्षों के कोर कमांडरों के बीच अगले दौर की बातचीत का इंतजार है। लेकिन इसके बावजूद भारत ने झील के उत्तरी किनारे पर अपनी स्थिति को फिर से संगठित किया है, जबकि चीनी सैनिक फिंगर 4 के रिज पर बैठे हैं, जो के फिंगर 8 से 8 किलोमीटर पश्चिम में है। भारत इसे ही एलएसी मानता है। इस क्षेत्र में भी दोनों पक्षों के सैनिक एक दूसरे से 500 मीटर से कम दूरी पर तैनात हैं।